मुगलों ने ये किया था, मुसलमानों ने ये किया था, उनके बादशाह ने ये किया, अब वर्तमान मुसलमानों से हमको ये करना है, यही सिखाते। पाकिस्तान में ये हो रहा है हिंदू के साथ में, बांग्लादेश में ये हो रहा है हिंदू के साथ में, ये घटनाएं बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो कुछ हुआ उसका प्रतिफल है, ये मानने को ये लोग तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज गांधी जयंती है, यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, और आज पूरे देश भर में छुट्टी भी मनाई जा रही है। लेकिन आज के टाइम पे हम गांधी जी को कितना मानते हैं, उनके आदर्शों पर कितना चलते हैं, आजादी में उनका कितना बड़ा योगदान था, ये पूरी दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर उन पर गोली चलाते हैं। तमाम फोटोज आपने पिछले कुछ सालों में देखी होगी, उन्हें गाली दी गई है, बहुत कुछ कहा गया, और ऐसे क्यों हुआ? आज मैं, अविनाश काकड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक ऐसा वाक्या जो आप लोग बहुत कम जानते होंगे, कि वो एक रैली में, जो आरएसएस की रैली थी, उसमें गए थे, और वहां उन्होंने, जैसा कि आरएसएस का कहना है, कि उन्होंने उनकी तारीफ की थी। उनके क्या विचार थे, क्या उस पूरी रैली में कहा गया था, वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर बात करेंगे कि आज गांधी जी के विचारों की कितनी जरूरत है देश को। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, आप उसी वाक्य से डायरेक्ट शुरू कीजिए जो आरएसएस उनके बारे में कहते हैं, कि वो हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारे बारे में बहुत तारीफ पढ़ी है, कसीदे गढ़े हैं, तो वो क्या वाक्य था? देखो, 18 सितंबर 1947 का ये वाक्य है, जब गांधी जी 16 सितंबर को उनके रैली में गए थे, आरएसएस की रैली में उन्होंने भाषण दिया था, और उस भाषण को बार बार ये बोलते हैं कि गांधी जी ने हमारी तारीफ की। तो गांधी जी ने जो बोला था, जैसे मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा कि मोदी जी कितना झुक गए हैं गांधी की प्रतिमा के आगे, एक तरफ वो भी वीडियो आप लगा देना कि जिसमें गांधी पे या आरएसएस के कुछ लोग और हिंदू महासभा के कुछ लोग गोलियां चला रहे पुतले पर, और दूसरी तरफ मोदी जी इतना झुकते हैं, तो इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है, यही बात गांधी ने उस वक्त भी बोला था। उस वक्त भी इन्होंने यही बोला था। उन्होंने बोला था कि धर्म हमें बुराई के बदले अच्छा ही करना सिखाता है, गांधी जी ने उस रैली में ये बताया था, और बताया था कि हम हिंदुस्तान में छुआछूत नहीं मिटाएंगे तो हिंदू धर्म मिट जाएगा। मतलब हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराई छुआछूत है, और ये आज भी छुआछूत को एक तरफ बोलते कि हम छुआछूत नहीं मानते, और दूसरी तरफ छुआछूत और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का ये पुरस्कार करते हैं। मनुस्मृति को सबसे बढ़िया ग्रंथ बोलते हैं, तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के सिवा और क्या है लिखा हुआ? जैसे अभी अभी मैंने ये किया कि वर्ण व्यवस्था ये जैनियों से आई हुई है, जैनियों के ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का पूरा वर्णन है, और उसके अनुसार ये वर्ण व्यवस्था का वर्ण पुरुष जो है वो जैनी वर्ण पुरुष है, जैन धर्म वाला, और उसके ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये पुरुष सूक्त लिखा हुआ है, और पुरुष सूक्त में कैसे कैसे वर्णन किया हुआ है कि ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ, क्षत्रिय कैसे हुआ, वैश्य कैसे हुआ और शूद्र कैसे हुआ, उसके उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सवाल ये, गांधी ने उस वक्त ये भूमि भी बोला था कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा तो हिंदुस्तान भी मुस्लिमों को तकलीफ होगी, तो वहां के हिंदू और यहाँ के मुसलमान यह समझ ले कि अपने अपने देश में सामंजस्य बिठाए। दुर्भाग्य से हमारा विभाजन हो गया है और इसमें अब सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। और ये गोलवलकर गुरु जी जो गांधी से मिलकर, उन्होंने गांधी ने उनको सवाल पूछा था कि आप बताइए कि मुझे कलकत्ता में और बाकी सारे जगह मतलब दिल्ली में भी आपकी शिकायतें आई है कि आप हिंदू मुसलमान के नाम से और सवर्ण और दलित के नाम से झगड़े कराते हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने उस वक्त बोला था कि मैं हर एक सदस्य की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। ये आज भी देख लीजिए कि अभी ये बोलेंगे कि संविधान जला है उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते, गांधी को गोली मारा उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते, गांधी को जिसने मारा उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते, जो मुंबई में अटैक किया उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते, वहां जो पुलवामा में हुआ उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते, तो ये किसी बात की जिम्मेवारी? मैंने पिछले वक्त एक टीवी चैनल पे बताया था कि भारत में 12 आतंकी हमले हुए थे 2014 के पहले, और सब में मैंने 52 नाम गिनाया था जो सारे के सारे हिंदू थे, सवर्ण थे, और उनके नामों समेत मैंने बताया था।
आपको जब फुर्सत होगी तो उसका रिपीटेशन मैं कर दूंगा कि वो 12 के 12, ये जैसे बोलते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं मगर सारे मुस्लिम नहीं होते, तो मेरा ये कहना है कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, सारे हिंदू नहीं होते, मगर आरएसएस में जिनका मंद बुद्धि हो गए, जिनका वैसा ट्रेनिंग हो गया, वो सारे के सारे आतंकवादी पैदा होते हैं। तो ये बोलते हैं कि हिंदू और हिंदू की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। संघ के सरसंघ चालक उस वक्त के बोल रहे हैं कि हम प्रत्येक संघ के सिपाही की, मतलब स्वयं सेवक की जिम्मेवारी तो नहीं ले सकते, मगर हमारा उद्देश्य है संघ की नीति और हिंदू और हिंदू की सेवा करना, ये हमारा उद्देश्य है, और किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाकर हम सेवा नहीं कर सकते। संघ आक्रमण में विश्वास नहीं रखता, अहिंसा में भी विश्वास नहीं रखता, वह आत्मरक्षा का कौशल सिखाता है, प्रतिशोध लेना हमने कभी नहीं सिखाया। ये सिवाय प्रतिशोध अभी कुछ नहीं करते। मुगलों ने ये किया था, मुसलमानों ने ये किया था, उनके बादशाह ने ये किया, अब वर्तमान मुसलमानों से हमको ये करना है, यही सिखाते। पाकिस्तान में ये हो रहा है हिंदू के साथ में, बांग्लादेश में ये हो रहा है हिंदू के साथ में, ये घटनाएं बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो कुछ हुआ उसका प्रतिफल है, ये मानने को ये लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था ये जो 16 सितंबर 1947 की जो दिल्ली के भंगी बस्ती में रैली हुई थी, जिसमें गांधी जी ने जो बातें कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो संगठन है, ये संगठन किस तरीके से चल रहा है। एक ने भाषण के बाद सवाल पूछा था कि हिंदू धर्म को पापी को मारने की इजाजत है या नहीं है, ये सवाल पूछा था, और यदि नहीं तो फिर गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कौरव का नाश करने के लिए क्यों उपदेश देते हैं, उसकी आप व्याख्या आप किस तरीके से करोगे। ये आरएसएस की शाखा में वो सम्मेलन में इनसे सवाल पूछा गया था, तो पहले प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने कहा था कि इजाजत है भी और नहीं भी है, किसी को मारने का प्रश्न उठे इससे पहले हमें अचूक तौर पर यह फैसला करना होगा कि वह पापी है, और दूसरे शब्दों में हमें पहले अपने आप को बिल्कुल दोष रहित बनाना होगा। मतलब आप किसी पापी को आप ही करार दे दोगे, भाई उसका घर गिराना है क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है, मगर उसके घर के बाकी सदस्यों का क्या दोष है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोल रहा है। गांधी ने उस वक्त भी यही बोला था कि आपको क्या अधिकार है कि आप किसी पापी को, किसी को पापी तय करते हो और उसको शिक्षा देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में हम पहले अपने को बिल्कुल निर्दोष साबित करें, बिल्कुल दोष रहित बनाना होगा, तभी हम यह फैसला करने का अधिकार प्राप्त होगा। जो खुद पापी है वह दूसरे को पाप की सजा देने के बारे में निर्णय का अधिकारी नहीं बन सकता। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, पापी को सजा देने का अधिकार की जो बात गीता में कही गई है उसका प्रयोग तो केवल सही तरीके से गठित सरकार ही कर सकती है। मतलब सरकार और जुडिशियली सजा दे सकती है, झुंड में जाके भीड़ में जाके कोई हिंदूवादी सजा नहीं दे सकता, ये उस वक्त बोला था और आपके लोग ये कर रहे हैं उस वक्त, तो ये आपके लोगों को रोकी है, ये बात उन्होंने उस वक्त बताई थी। और अगर आप खुद फैसला करें तो खुद की सजा देने लगे तो सरदार पटेल और नेहरू दोनों विवश हो जाएंगे, दोनों देश के माने हुए सेवक है, उन्हें अपनी सेवा करना का अवसर दीजिए, कानून को अपने हाथ में लेकर अपने प्रयत्नों में बाधा न डाले। मगर दुर्भाग्य से आज जो सेवक बने हुए हैं वो खुद ही इस विचारधारा से है कि हत्या का बदला हत्या, आग का बदला आग, तो पूरी दुनिया को अंधा बनाने वाला जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल यह होगा कि मुसलमान अगर अंधे होंगे तो हिंदू भी सारे अंधे हो जाएंगे। लेकिन ये जो बाद में नैरेटिव फैलाया जा रहा है और आज के टाइम पे जो इतना बड़ी तादाद में लोगों के सामने रखा गया है, तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है? इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा, ये चीजें रखी गई हैं, एक समुदाय विशेष से पूरी तरह से नफरत का माहौल जो बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की हामी है, क्या लगता है? देखो, सरकार के पास बताने लायक कुछ नहीं रहता है तो फिर नफरत ही बताई जा सकती। आपको एक बात बता देता हूँ, अभी एक नैरेटिव नया गढ़ा जा रहा है कि रेल को गिराने का काम, उखाड़ने का काम ये मुसलमान कर रहे। अब जितने मेरे ध्यान में आया, चाहे वो पोल रखने की बात हो, चाहे वो कुकर रखने की बात हो या सिलेंडर रखने की बात हो, एक आरएसएस का ही आदमी उसमें पकड़ा गया, एक पंडित भी उसने पकड़ा गया, रेल का शीशा फोड़ते हुए जो दिखाया वीडियो,
वो शर्मा जी है, और वो जो ट्रेन के शीशे टूट चुके थे जिनको बदलना था उसके लिए वो काम कर रहा है, उसका वीडियो ये मुसलमानों का काम है करके फैलाया जा रहा है, इसका इसका जवाब क्या होगा? तो वो जो कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं दुष्प्रचार, हम जैसे लोग आप जैसे लोग उसका ठीक से प्रचार करें, ठीक से बात करें। जब भी ये पकड़े जाते हैं उसका प्रोपोगंडा होता नहीं है, ये प्रोपोगंडा करने का काम हमारा नहीं है क्या? गोदी मीडिया नहीं करेगा, मगर हम लोग भी उस तरीके से एग्रेसिवली नहीं करते हैं, ये हमको करना पड़ेगा। जिसका जवाब जो है उसको उसी तरीके से समझा के लोगों को देना पड़ेगा, वास्तविकता सामने लाना पड़ेगा, वास्तविकता से लोगों को रूबरू कराना पड़ेगा, ये काम हम लोगों को करने की जरूरत है। अब आप वापस आते हैं गांधी जी पर, आपने बता दिया क्या हुआ था कैसे हुआ था, आज आज के संदर्भ में गांधी जी के विचारों को किस तरह से ज्यादा फैलाया जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक गांधी जी के बारे में बात करना बंद कर दिया गया है, यानी कि उनकी प्रतिमाएं को तोड़ दिया जाता है, नुकसान पहुंचा जाता है, पोस्टर का मैंने पहले जिक्र किया कि उनके ऊपर बंदूक तानी जाती है और कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लिया जाता, जो गोडसे है उसे देशभक्त बताया जाता है, इस तमाम जो हत्यारा था उसका महिमा मंडन किया कर रहे हैं जो कि सांसद थे, संसद का रास्ता उन्होंने तय कर लिया। तो ये सारी चीजें हुई पिछले कुछ सालों में, इससे इसका आने वाले वक्त पे और क्या असर पड़ने वाला है? देखो बाकी लोगों को तो इन्होंने अपनी विचारधारा में बांधने का प्रयास किया, मगर गांधी किसी जाति में नहीं बनते हैं, किसी धर्म में नहीं बनते। मुसलमान उनको बोलते हैं कि वह हिंदू का आदमी था, हिंदू बोलता है वो मुसलमानों का आदमी था, क्योंकि कोई भी अपने अपनी विचारधारा में अपनी फ्रेम में उसको जड़ नहीं सके। गांधी इस देश का आदमी था, गांधी इस दुनिया का आदमी था। आज भी आप देख लीजिए यूक्रेन वॉर चल रहा है, बातें टेबल पे होगी जब यूक्रेन वॉर समाप्त होगा। वो इसराइल का वॉर चल रहा है, लेबनान वॉर, इसराइल हो, वो सारे जो वॉर चल रहे, इसकी इसकी ये कहाँ होगी, इसका जो जवाब मिलेगा या यहाँ व्यवस्था जब स्थापित होगी, जब शांति से बात होगी। और ये शांति का मंत्र ही तो गांधी मंत्र है। दुनिया में गांधी को याद क्यों किया जाता है? याद इसीलिए किया जाता है कि आप कितनी भी लड़ाई कर लो, कितनी भी मारामारी कर लो, देखो इन्होंने उठा के 200 मिसाइल दाग दिया ईरान ने, इसपे इसराइल पे, वो बोलते हमारा एक ही आदमी मरा, वो डोम तोड़ के, क्योंकि वो सुपरसोनिक मिसाइल थी, डोम तोड़ के कई मिसाइलें उनके इसराइल में गिरी। उन्होंने झूठा प्रचार शुरू किया कि हमारे यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। मगर ये युद्ध जैसा भी हो, जिस भी कंडीशन में चले जाए, जब शांति स्थापित होगी तो कैसी होगी? हिंसा से होगी कि अहिंसा से होगी? अहिंसा से होगी। बात है गांधी जी, है ना? तो गांधी का मूल मंत्र है अहिंसा। गांधी खुद बताते हैं कि अहिंसा को आप बातचीत करो, किसी से भी बातचीत, मतलब आपने देखी है कि आतंकवादी गिरोह से भी बातचीत कर सकते हो और किसानों से बातचीत नहीं कर सकते आप, ये कौन सी विचारधारा है? आप नक्सलवादियों से बातचीत करोगे, आप किसान यानी आतंकवादियों से बातचीत करोगे, आप जब जरूरत पड़ेगी किसी भी देश से बातचीत करोगे, बातचीत ही करोगे ना। आज का ये नहीं है जैसा बोला था कि बीजेपी के किसी नेता ने बोलना शुरू कर दिया था कि तीसरा बार आएंगे ये सरकार, तीसरी बार आएगी तो 6 महीने के अंदर पीओके हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। क्या इनकी औकात है? क्या इनकी ताकत है? कभी नहीं। कुवैत में इराक ने जो कुछ किया था, उनके ऊपर कब्जा करने के बाद जो कुछ उसके साथ में हुआ था, वो आप देख लीजिए, इराक आज भी तबाह है। हालांकि कोई गलती नहीं थी सद्दाम की, सद्दाम ने एक ही गलती किया था, और दूसरी गलती किया था कि हम डॉलर को नहीं मानेंगे, हम यूरो में पेट्रोलियम का सौदा करेंगे तो डॉलर खत्म हो जाएगा, अमेरिका को डर लगा कि डॉलर की जो हैसियत है वही टूट जाएगी, और दूसरा उसके पास में ये बताया गया कि केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, कुछ नहीं मिला, मगर कुवैत की वजह से और वो डॉलर की वजह से पूरा का पूरा एक साम्राज्य समाप्त हो गया, ईरान का साम्राज्य, और आज भी वहां शांति स्थापित नहीं हो रही। जब भी शांति स्थापित होगी गांधी ही शांति स्थापित करेंगे, गांधी का तरीका ही शांति स्थापित करेगा। जब दो समाज में झगड़ा होता है, दो जातियों में झगड़ा होता है, शांति लाने के लिए आपको बैठ के ही बात करनी पड़ती है, ये बात सच है कि नहीं है? तो ये बातचीत का जो तरीका है वही गांधी का तरीका है। गांधी एक ये नहीं है, मतलब व्यक्ति नहीं है। गांधी को मारने मतलब आप बताइए
ये इन्होंने प्रचारित किया था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और मोदी उसके सामने ऐसे कमर से झुकते क्योंकि मजबूती का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी नहीं, मजबूरी तुम्हारी है कि तुमको उसके सामने झुकना पड़ता है। दुनिया में कहीं भी जाए, अभी ये गए थे अमेरिका में, भाषण हो रहा था, भाषण में वो बार बार नेहरू का नाम ले रहे थे, बार बार गांधी का नाम ले रहे थे भाषण, और ये चुपचाप खड़े होके सुन रहे थे। यहाँ आके इन्होंने बोलना चाहिए था कि नहीं तुम गोडसे का नाम लो, नहीं तुम गोलवलकर का नाम लो, नहीं तुम हेडगेवार का नाम लो, नहीं तुम माफीवीर का नाम लो, ये क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दुनिया को इन चारों का पता ही नहीं है, हत्यारों का कोई पता नहीं है। एक जगह आज ही मैंने पढ़ा कि विनोबा भावे ने बोला कि ये गोलवल का कहना है, गोलवलकर का कहना है कि हम अर्जुन को ज्यादा मानते हैं क्योंकि उसने अपने गुरुओं की भी हत्या अच्छे विकल्प के लिए की थी। ये परशुराम को भी मानेंगे, एक उसको भी मानेंगे, ये गोलवलकर को भी मानेंगे, ये गोडसे को भी मानेंगे। उसका कारण है कि ये हत्यारे लोग हैं, हत्यारों का संरक्षण करने वाले लोग हैं, और इस्लाम हो या हिंदू हो, जो हत्या करता है उसको हत्यारा बोला जाता है, उसको बलिदानी नहीं कहते। बलिदानी वो होता है जो सैक्रिफाई करता है और शांति स्थापित करता है। आप आज भी देखिए करबला की लड़ाई में हसन हुसैन का ही नाम लिया जाता है, मारने वाले यजीद का नाम नहीं लिया जाता है, उसको कहीं कोई कोई शहीद का दर्जा या हुतात्मा का दर्जा या बड़े खलीफा का दर्जा आज भी कोई नहीं देता है, तो जो सेक्रीफाई करता है उसको दर्जा मिलता है। तो गांधी ने सेक्रीफाई किया था, गांधी ने इस देश के लिए, दुनिया के लिए एक आइकॉन पैदा किया था, और गांधी कभी कभी पैदा होते हैं ऐसे लोग, गांधी इनके मारने से नहीं मरने वाला, गांधी कभी नहीं मरने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार है जो पूरी दुनिया में आज भी अपने विचारों की वजह से जाने जाते हैं। कहीं भी चले जाएं, अगर शांति के लिए किसी शख्स का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है तो वह है महात्मा गांधी। और आज गांधी जयंती है तो इस मौके पर अविनाश काकड़े जी ने, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मैंने बार बार बताता हूँ कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, अहिंसा उसी की है जो हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, उसकी अहिंसा नहीं हो सकती कि जो नेशनल हाईवे पर टायर फूट जाए और भाग के बाहर चला जाए गाड़ी में बैठ के कि बम विस्फोट हुआ है, आक्रमण हुआ है, और ये गुजरात में हुआ है, एक 56 इंच वाला वहां से भागे थे और 10 किलोमीटर जाने के बाद जब पूछा गया क्या हुआ था तो बोले आक्रमण हो गया, हल्ला हो गया मेरे मुख्यमंत्री निवास पर, और पुलिस ने जब बताया, पता किया तो पता चला हाईवे पे टायर फूट गया था। तो ये डरपोक की अहिंसा नहीं है, डरपोक लोग कभी अहिंसा नहीं कर सकते, बहादुरों की अहिंसा है होती है, डरपोक तो हिंसक ही होता है। शुक्रिया सर, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जल्दी मुलाकात होगी सर से दूसरे एपिसोड में, तब तक ले लीजिए, शुक्रिया सर।